हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो, ये भैया आपका पेमेंट नहीं हो रहा है 7006 का। भैया आईसीआई किस चीज के पेमेंट है भैया? का है भैया, क्रेडिट कार्ड भैया कहाँ है कस्टमर को? नाम विनीत साहू। जी विनीत साहू हुआ कस्टमर को नाम। जी अच्छा भैया, तो भैया जो पेमेंट ना, जो पेमेंट होगा कम से कम 2 महीने बाद, क्या होगी? अरे जो पेमेंट 2 महीने बाद हो, भाई ऐसा ना कहा, कहना पड़ रहा है भैया ऐसे क्या कर रहे हैं। 2 महीने भाई ऐसे आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं आपका 31,000 है, यही ना करिए आप, ये 7,500 करा दीजिए, 7,720 रुपये। कहा कर रहे भैया, थोड़ा सा इश्यू आ रहा होगा पैसों का, तो कहना पड़ रहा होगा। अरे भैया मैं जाना तो लेकिन 7,700 रुपये करा दा, फिर मैं 3 महीना के, आप तुम बोलना 4 महीना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भैया जो ना हो पाऊ तभी तो आपको समझा रहा हूँ। जो का बताऊं भैया, बता ना सकता हूँ मैं इस समय, ना घर पे भी ना हूँ, मैं बाहर रह रहा हूँ क्योंकि लोन होगा वो ज्यादा, तो घर पे भी रिकवरी वाले आ रहे हैं, बजाज वाले बदतमीजी कराते हैं, तो इस समय घर पे भी ना हूँ, लोन ज्यादा होगा हुआ और बचे कुचे पैसों से गुजारा कर रहा हूँ, का बताऊं भैया। अरे यार 7,600 करा दो यार भाई, ऐसे भैया मैं, ना नाराज करो यार, अरे 3 महीना ऐसे नाराज तुम्हें। नाराज ना भैया, सच बता रहा हूँ। उस समय ना, पहले तो देखो दिल्ली भाग कर रहा हूँ, उसके बाद यूपी दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ, और वो भी मेरे पास कुछ बचे कुछ 10,000 रुपए, उसमें भी राइट ऑफ को इंतजार कर रहा हूँ मैं, ताकि जो है ना विजिट कम हो घर पे, मतलब बंद हो जाए राइट ऑफ के बाद, ना होते ना मैं भी जो ही लाइन को हूँ ना, और बाकी का होगा फिर अपना थोड़ा बहुत तो उधार, मतलब दो भाइयों से लेना पड़ रहा हो, 2-2, 4 हजार जो खर्च हो जावे खाने पीने को, तो भैया जो जिंदगी बस रोज होकर चली रही है तो उसको भी राइट ऑफ मिलाओगे ना? अरे भैया। राइट ऑफ के बाद ना आपको भी पता, विजिट ना होता घर पे, अब तो घर पे आ रहे हैं बजाज वाले बदतमीजी कर रहे हैं, वो अभी एस्केलेशन डाली मैंने उस पे, क्या क्या मैं ट्वीट पे ट्विटर करा, मतलब ट्वीट करी थी एस्केलेशन, तो जो बजाज वाले बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं। बाकी अब जो 6 महीने बाद जब राइट ऑफ हो जाओ, वो 7 महीने बाद तो समझ लो ना आगो कोई। जो अमाउंट है वो भी आधा हो जाएगा, आधे से कम राइट ऑफ में। क्या कह रहे हो भैया? राइट ऑफ में जो आता है उसका अमाउंट और भी कम हो जाता है ना, सेटलमेंट अमाउंट कम थोड़ी के होगा अमाउंट। भैया, वो तो सेटलमेंट, तो देखो सेटलमेंट में तो वेबर मिलेगा हाँ, तो वेवर तो कम ज्यादा मिलता है तभी तो कम होता है अमाउंट। ना, वेबर में मिले, और बाकी जब बंद हो जाओगे ना घर पे विजिट, तो अपने घर पे जाकर रह लेंगे, अभी घर पे ही ना रह पा रहे हैं, और फिर इसका एक एक करके देखेंगे भैया, मनी को इंतजाम होगा तो सेटलमेंट कराएंगे। बहुत ही बड़ी समस्या है भैया। भैया वैसे आपकी क्या पोस्ट है भैया कानपुर में है भैया हम। ना, क्या पोस्ट है आपकी? आप एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर एजेंट हो, क्या हो आप? भैया हम सब कुछ एग्जीक्यूटिव लग रहे हमारे को तो। ऐसा नहीं है बाबू, 7,600 रुपये करा था भैया। भैया 7,600 बता का हमारो कम से कम 1 महीने को खर्च होगा 7,600। मैं कहा बताऊँ आपको हमारी कंडीशन ना, आपको अगर आप अगर हमारे सामने बैठ कर बात करोगे ना हमारे से, और मेरी कंडीशन सुनोगे, तो भैया आंखों से आंसू आ जाएंगे जो कंडीशन है। 7,600 करा दो भाई, ना बोलो यार, हमारी यहाँ भी आंसू आ रहा है। भैया मैं तो अभी खाना खाने को भी भैयों से पैसों मांग रहा हूँ कि भैया दे दो भैया, अभी 6 महीनों को कांड है बस, ये 6 महीने बाद, अब मैं फिर 6 महीने बाद कोई भैया काम वाम चालू करूंगा, परचून की दुकान लेकर बैठ जाऊंगा कहा, फिर उससे ही थोड़ा बहुत पैसे जोड़ जाड़ के सेटल कर लेंगे कहा। मैं अभी तो भैया खानों खाने को भी पैसों मांग रहा हूँ। बता तुम्हारे को भैया कहा, मतलब जिस समय हमारे पास अभी पैसों में आ रहे, बिजनेस में डूब गए हो बुरी तरीके से एकदम, वरना जिस अरे समय हमारे पास पैसों हो तो कम से कम मैं दिन को 1-2 लाख रुपए कमा लेता तो। डूब भी जाता हूँ मेरे मेरे भैया भैया, मैं वही तो बता रहा हूँ भैया, हो ना पाएगी। जाने पता भैया आप जो लाइन में हो ना, इसी लाइन में मैंने काम करूँ, मुझे पता है आपको टारगेट है, थोड़ा प्रेशर है, लेकिन भैया मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे खाने की भी लाले हैं भैया, क्या बताऊँ आपको। तो भैया
क्या बताऊं भैया, वैसे आपको नाम का नाम अक्षय कुमार। अरे भैया मजाक कर रहे हो भैया? नहीं भैया, सच में अक्षय कुमार है आपको नाम जी? अक्षय कुमार को तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भैया। चलो भैया फिर का भैया, मैं ज्यादा देर बात करूंगा तो अपने दुखड़े सुनाने लगूंगा, क्या बताऊँ आप, बहुत समस्या भैया। मैं वही तो कह रहा हूँ, करा देता हूँ मैंने थोड़ी कर दो आपको 7600 को, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन ही 10,000 रुपए पड़े हैं अभी, ऑनलाइन 10,000 रुपए पड़े हैं, उनसे मैं खर्चे चला रहा हूँ अपना, कम पड़े हैं तो भैया भैया से खाने पीने को ले लेना। परेशान करो, बहुत दिन से तुम परेशान कर रहे हो 3-4 महीने से भैया। अब का बताऊं भैया तुम्हें, अब तुम्हारी समस्या मतलब तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, तुम हमारी समस्या समझ भी रहे हो ना भी समझ रहे हो, प्रेशर है तो क्या करें भैया। भैया इसमें तो मैं तुम्हारी कोई सहायता ना कर सकता भैया, क्षमा करो भैया। अरे भैया अक्षय कुमार जी भैया ना हो सके भैया सहायता, भैया मैं अपनी तरफ से ना डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ भैया, क्षमा करो भैया ना हो पाएगी। और ना पता मैं आपकी तो भैया पूरी सहायता करता हूँ, लेकिन भैया क्या बताऊँ, जो समस्या ही अभी तुम्हारे पास खाने के लाले हैं भैया, क्या बताऊँ यार। ना भैया ना हो पाएगी भैया, समझे करो, वरना मैं आपको मने ना कर तो आप हमारी ही लाइन के हो, मैंने भी जो काम कर रखा है, मैं भी एग्जीक्यूटिव तो मतलब मैं कॉलिंग भी कर ले तो और चलो भी जाता हूँ पैसे लेने, दोनों काम कर ले तो मैं यार। भैया आंखों से आंसू आ गए भैया, जो बात सुन के पता मैं तुम्हारी सहायता न कर सकते बताऊ, वरना मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर दो, 1,00,000 रुपए दिन को कमाने वाला हूँ मैं भी। भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, करा दे तो, लेकिन भैया पैसों का इशू है, पैसों ही ना हमारे पास भैया, लाख लाख दो लाख रुपए दिन का कमाने वाला हूँ क्या बताओ भैया। तफरी कर रहे हो यार तुम, समझो पिछले महीने भी यही करे थे यार। भैया जो तफरी ना कर रहा हूँ भैया, तुम हमारी लाइन के बंधु ना भैया, जो मैंने बताओ ना, मैं बाहर हूँ सही में, मैं घर पे ना हूँ, मैं अपने बाहर फिर रहा हूँ, खाने को भी जुगाड़ मुश्किल से कर रहा हूँ भैया, चाहो तो वीडियो कॉल करके देख लो भैया, तुम्हें कोई शक हो तो। हेलो हाँ जी, क्या बताए? हाँ सर मुझे पता ही, पेमेंट करने का मन क्यों नहीं है आपको? पेमेंट करने का मन सर इंटेंशन नहीं है, पता नहीं क्यों, कोई ना रीजन होगा ना, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है सर, घर में देने का मन नहीं है। अच्छा तो आपका देने का मन नहीं है? देने का ही मन नहीं है सर, पता नहीं क्यों। सतीश शर्मा ऑन रिकॉर्ड कॉल कह रहे हैं कि पैसे भी है, घर भी है, सब चीज है, बट इंटेंशन इश्यू नहीं पे करना। हाँ सर बस यही दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों देने का मन नहीं कर रहा सर। अच्छा तो सर यूज तो कर लिया था आपने उस टाइम पे, यूज देने का मन क्यों नहीं किया? यूज तो कर लिया लेकिन देने का मन नहीं, पता नहीं क्यों। आपको क्या लग रहा था तो चैरिटी का है या कैसा पैसा है कि मतलब यूज कर लिया फिर देने का? ये तो सर देते समय सोचते हैं आप, देते समय किसके चेहरे पे लिखा होता है कि मैं ये बंदा लेके भरेगा नहीं? हाँ तो सर ये आपको देखना है ना देने से पहले, ये मुझे क्या देखना। सतीश शर्मा जी वही तो मैं कह रहा हूँ, किसके चेहरे पे लिखा होता है कि खाके बैठ जाए? हाँ तो बस आपने देखा नहीं, वो मेरे चेहरे पे तो लिखा हुआ है, मैं तो खाके बैठ गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप तो सीधेली कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, मेरा तो इंटेंशन प्रॉब्लम, मैं तो नहीं दे रहा, मेरा मन नहीं है, आपने खुद कहा कि रिकॉर्ड लाइन पे है ना सर? हाँ सर। हाँ तो आप बताओ ये पेमेंट कैसे करोगे जल्दी? पेमेंट सर करेंगे इसका कुछ 1 साल बाद। क्या? 1 साल बाद करेंगे पेमेंट। 1 साल बाद क्यों कराओगे सर? ऑलरेडी 5 महीने तो हो गए आपको। मनी नहीं देने का, वही मैं पूछ रहा हूँ ना सर, तो फिर यूज ही क्यों किया आपने इसे, या भर नहीं सकते
जब आपको पता है कि मेरे बस की नहीं है पैसा भरना, मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? अरे सर, तुम्हारे घर से उठा लिया पैसा, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? आगे बढ़ा दो केस को, क्या ऐसी तैसी कर रहे हो दिमाग की? तुम्हारे कहने से आगे बढ़ाऊंगा सर मैं? तो आगे नहीं बढ़ाना, तो केस पे काम करो, बैठ जाओ सर। वो आप उसकी चिंता तुम मत लो शर्मा जी। पहली बात तो तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते रिकवरी वाले, आप या सर कह के बात करो, ठीक है? एक तो यार ये बड़ी आवाज आ रही है पीछे से, पता नहीं कौन सी जगह पर बैठे हो, मशीन के ऊपर बैठे हो क्या सीधे जाके? मैं बहुत सही जगह पर। बड़ी आवाज आ रही है पीछे से। नहीं आवाज सही नहीं, पैसों की बात आ रही है तो होते है, कस्टमर को जो देते नहीं उनको दिक्कत होने लगती है बात में, पीछे से आवाज आ रही है। सच सच बोल दो, तेल चढ़ाई के काम पे करो क्या? तेल चढ़ाई के काम पे तो नहीं बैठे हो? सच सच बता दूंगा, किसी नहीं कहूंगा। मेरी छोड़ दीजिए, मैं भी शायद आपने किया होता तो अभी मेरी भी छोड़ दो। मैंने जो है ना किया तो बहुत कुछ, लेकिन अब मैं बताऊंगा यार तुम्हें बुरा लगेगा, क्या बताऊँ? इतना शोर आ रहा है अब क्या यार, कैसा मतलब ये तुम्हारा जो तुम्हारे कानों पे हेडफोन लगाया गया, पैसे पूरे नहीं भरे थे क्या इसके? ईएमआई पे लिया था, एक ईएमआई बाउंस हो गई। चलिए तो आप ये तो आप बिल्कुल आप अपनी जैसी बातें कर रहे हो। नहीं, एक ईएमआई बाउंस तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मेरी छोड़िए ना सर, मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी वाली बातें करो, लेके ना देने वाली। मतलब सर चाह ही रहे हो तुम्हें कि मतलब एकदम से मूड फ्रेश हो जाए तुम्हारा, कुछ ऐसा बोल दूं मैं, मजा आना चाहिए तुम्हें भी है पूरा पूरा, यही चाह रहे हो तुम? मजा आना चाहिए पूरा, मैं तो एक पेमेंट कर दो सर, पूरा ही मजा आएगा। मजा पूरा आएगा, मजा आता है रात को, पेमेंट करने से मजा नहीं आता। अच्छा तो चलो रात को ही मजे, रात को ही मजे लेके कर दो पेमेंट सर, पेमेंट करा दो रात को। यार तुम आओगे तभी तो, तुम्हारे हाथ में पेमेंट लेके आ जाओ, एड्रेस ले लो। एड्रेस तो है हमारे पास। एड्रेस है नहीं, वो नहीं नया वाला लो ना, उसका तो कब का छोड़ दिया। अरे सर नया वाला छोड़ दिया ना, परमानेंट एड्रेस से भाग जाओगे क्या सर? परमानेंट एड्रेस पे अगर ताला लगा होगा, परमानेंट एड्रेस पे अगर छोड़ दोगे क्या? वही तो कह रहा हूँ, परमानेंट छोड़ दोगे क्या? अबे यार बोलता ज्यादा यार, तो सुनता कम। परमानेंट एड्रेस पे ताला लगा होगा फिर क्या करोगे? चलो मान लिया ताला लगा हुआ है, ओम प्रकाश जी को छोड़ दोगे? तो ओम प्रकाश जी मेरे साथ, तो फिर कहाँ से ढूंढ लोगे ओम प्रकाश जी को? अरे सर उस चीज की समस्या मत लीजिए आप, मैं जो कह रहा हूँ ये बताओ, ओम प्रकाश जी को छोड़ दोगे? नहीं अगर अगर मान लो मैंने ओम प्रकाश जी को नहीं छोड़ा तो ढूंढ लो फिर, ठीक है? अब पैसा बताइए सर भर रोज का, ये दूसरा नंबर जो यहाँ कराया हुआ है आपने, एक सेकंड रुको, मेरा ही नंबर है यार, मेरा ही नंबर है, ले लो। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक नंबर नहीं है, तीन चार नंबर अपडेट करा हुआ। अरे यार घर के ही नंबर है अपने, एक भाई का है, भाई तो मुझसे ज्यादा खतरनाक है, मैं तो फिर भी प्यार से बात कर रहा हूँ, वो तो सीधा मार बहन के वाले उठता है। अरे सर गाली बकने से थोड़ी चीजें होती हैं। नहीं गाली बकने से होती है हमारे यहाँ, हम जो है ना जैसे रिकवरी वाला ज्यादा सर पे चढ़ता है ना, तो भाई जो है ना उसका गड्ढा बड़ा। अच्छा हाँ, रिकवरी वाला ज्यादा सर पे चढ़ता है अभी तो तुम यार। देखो मैं भी रिकवरी लाइन से हूँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर ही रहा हूँ। रिकवरी वाले काम दे रहे हो सर मुझे, तभी तो रिकवरी वाले काम दे रहे हो मुझे। छोड़ो तभी तो मुझे इतनी देर से कॉल सेंटर वाला ध्यान दे रहा हूँ बैठ करके। कॉल सेंटर थोड़ी, मैं तो टीएल लेवल का था, मैं तो टीएल लेवल का काम है। अरे सर मैनेजर लेवल के भी रहोगे तो ही क्या करोगे, लाइन पे लेना जरा अपने भाई को, इसी को लाइन में क्यों लो? वो गाली दे देते ना आपने कहा तो गाली देते हैं डायरेक्ट। नहीं वो गाली देता है इसलिए लेता नहीं, मैं उसको कितना कहता हूँ भाई गाली मध्यम 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 मान लेंगे, सीधे गाली से करवा। हाँ तो कोई ना, वही तो मैं देखना चाह रहा हूँ सर, अभी जब तीनों हम लाइन पे रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, वो भी देखने को चाह कर रहे हो, देखने को चाह कर रहे हो। वही कह रहा हूँ ना, बात तो करो जरा मेरी उनसे यार। देखो मैं हूँ पक गया पूरी तरीके से, अब और भी बैंकों के लोन ले रखे, उनके भी कॉल आ रहे हैं। तुम अच्छा काम करो, बहुत जगह से खाया मैंने तो, मेरा तो यही काम है। मैंने तो रिकवरी वालों की बहने पटा पटा के उनसे पैसे ले लिए हैं, मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े कांड करे हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये बताओ डिस्कनेक्ट कर रहे हो? एसबीआई
का जो कार्ड यूज कर लिया वही शायद आपने गलत कर लिया। नहीं वो कार्ड तो मैंने सही दिया था, मैंने पड़ रहा था यार एक तो इतना भाई साहब माइक खरीदना नया फिर बात करना हो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।